गुड मॉर्निंग दोस्तों और नमस्ते। तो कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कितनी बर्फ़ पड़ी है और अभी पड़ भी रही है बर्फ़। उम्मीद से कम बर्फ़ पड़ी है, इतनी बर्फ़ तो नहीं पड़ी है, पर बोल सकते हैं रिकांगपियो के लिए फर्स्ट स्नोफॉल। यहाँ देखिए, तो मैं अभी वो है कौन सा है, ये कौन सा, ये वाला है मेरा रूम। तो मैं अभी यहाँ सामने वाले लोगों के छत में आई हूँ, और वहाँ से नीचे का तो मैं आप सभी को दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि पूरा धुंध है। अभी ऊपर से बर्फ़ भी पड़ रही, देखो ऊपर शायद आजकल कोई नहीं है तो ऊपर लेंटर में लॉक लगा हुआ है। अगर सब जाएंगे, बर्फ़ पड़ेगी तो गिराने वाला कोई नहीं है, मतलब फेंकने वाला कोई नहीं है, इसलिए बंद करके रखा है उसको। इसलिए मैं यहाँ पड़ोसी के लेंटर में आई हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पंगी वालों का बिल्डिंग और मेरा रूम है यहाँ रुग्गी वालों की बिल्डिंग में। तो कोई बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ से देखिए, थोड़ा बहुत दिख रहा है आप लोगों को सामने का व्यू। बर्फ पड़ ही रही है अभी भी। तो अब हम कहाँ जाएंगे? हम एक बार ऊपर जाएंगे, यहाँ जाएंगे एक बार। हम पूरा खेला मैंने और मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, किसी क्या पता मैं आई थी यहाँ पे। तो मेरा कब से मन था, जब बर्फ़ पड़ेगी तो मैं ऐसे करूँगी, देखना ना। और यहाँ भी बड़ा अच्छे से नहीं आया, इतना बर्फ़ नहीं पड़ी ना अभी। अभी तो अंदर आ गया बर्फ। ऐसा मेरा कब से मन था करने का, तो लगे सारा बर्फ। तो कब से मैं सोची थी जब बर्फ पड़ेगी मैं ब्लॉग बनाऊंगी। कितना अच्छा लग रहा है देखो, वाइट ही वाइट। पिछले कल भी नहीं पड़े रिकॉन्ग पे बर्फ़, उससे पहले भी नहीं पड़ी। यहाँ से नीचे साइड पड़ी थी बर्फ, पर हमारे यहाँ पे नहीं पड़ी, पता नहीं क्यों नहीं पड़ रही थी। इस साइड से भी गिराते हैं हम, देखना। यहाँ मब धूमो पम था, हिल ही नहीं रहा। बेचारा मेरे फोन में चला गया इतना सारा बर्फ। बाकी ऊपर से मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं था। सुबह सुबह मेरे पड़ोसी को उठाया तब जाके चार्जर लिया, तब जाके मैंने फ़ोन चार्ज किया। हाथ में ठंड लग गई अब तो। तो मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ। तो अभी बज रहे हैं 9, अब थोड़ी देर में मैं निकल जाऊँगी। बाहर तो बर्फ़ पड़ भी रही है, और यहाँ देखिए कितना मोटा सूट पहना है मैंने, काफ़ी मोटा है। तो और यहाँ देखिए, मेरे चेहरे में इतना बड़ा पिंपल निकल गया। जब कहीं जाना होता है ना, जब कहीं जाना होता है या कुछ फेस्टिवल फंक्शन, जैसा कि कुछ फंक्शन वगैरह होता है, उस दिन चेहरे पे ना ऐसा पिंपल निकल जाता है। जैसे इसको तो पहले से पता होता है कि कहीं जा रही है ये, निकल जाऊँ इसके चेहरे पे मैं बाहर। तो और शाम को मैं आप सभी को कहीं ले जाऊँगी। आज आप सभी मेरे साथ वीडियो में बनी रहिए, मैं आप सभी को दिखाती हूँ, फिर आप सभी को मैं दिखाऊँगी बताऊँगी। तो यहाँ देखिए अभी कितना अच्छा दिख रहा है। ऊपर से बाल गीले हैं, नहीं सूखे अभी, तो अभी भी पड़ी रही है बर्फ़।
तो मुझे यहाँ से नीचे बाज़ार तक पहुँचने को लग जाएगा 10-1 मिनट तो लग ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से मुझे रास्ता थोड़ा ख़राब है। देखिए मौसम भी साफ हो चुका है, अब तो अभी हम चाय पी रहे हैं। यहाँ देखिए मौसम, जैसे कि मैंने आप सभी को सुबह कहा था कि मैं शाम को कहीं ले जाऊंगी, एक बार मैं अभी यहाँ पे गिफ्ट पैक करा रही हूँ। ये देखिए अभी छोटे बच्चों को जो फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं उसके लिए मुझे गिफ्ट समझ में नहीं आया मैं क्या लूँ, और एक ये चार्ट्स वगैरह था, एक ये लिया। अभी मैं गिफ्ट पैक करा रही हूँ, एक ये चॉकलेट का डब्बा दिया था और एक ये थी और ये चार्ट्स वगैरह था और एक दो मैंने इसमें सॉक्स भी लगाए थे, वो मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। लो जी, हम आए हैं यहाँ पे समोसा खाने के लिए। छुट्टी ने अभी तक बहुत दौड़ाया और फाइनली हम समोसे खाने आ गए हैं। दुकान का नाम है पंडित ढाबा। और ये हमारे समोसे आ चुके हैं और हल्ला बोलेंगे हम। हेलो बोलो, दो लड़की थी ना, आज मेरा बर्थडे है, बोलो बोलो। मेरा बर्थडे है आज, मेरा बर्थडे है, बोलो आज मेरा बर्थडे है। मेरी कॉपी हमें आई, बोलो ये भी आता भाई जी, सो पूरा ताने दिया। बर्थडे मनाने आए, बोलो मेरे का डिटेल नहीं दे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, देखिए कितना अच्छा मौसम है आज, बिल्कुल साफ तो नहीं है, थोड़े बादल हैं पर ख़राब वाले बादल नहीं है, मतलब अच्छे वाले बादल है। हाँ, इससे मौसम ख़राब तो नहीं होगा ना। चलो जो भी है, अभी तो अच्छा है मौसम। तो नमस्ते, जैसे कि आप सभी ने देखा मेरा ब्लॉग अभी तक जो भी देखा आपने, जिसका मैं कल बर्थडे गई थी, वो मेरी फ्रेंड की बेटी है, अभी वो 3 साल की हो गई थी। पहले तो वो मुझे कंबा में बुला रही थी, पहले उसने कंबा में सेलिब्रेट करना था, वो कंबा की है। तो फिर उसकी उसकी सासू माँ यहाँ पीयू में होती है, पीयू में जॉब करती है। तो फिर वो लोग, उनकी सासू माँ ने कहा ना कि बर्थडे पीयू में सेलिब्रेट करेंगे, तो वो लोग पीयू में आ गए थे। तो कल बर्थडे सेलिब्रेट पीयू में कर दिया, तो मैं कल वहाँ गई थी। फिर रात को हम आ गए थे ऊपर 9-1 बजे, वहाँ से उसके ससुर ने छोड़ा था मुझे यहाँ तक। तो ऐसी ऐसी बात थी। तो अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो कल तो वीडियो को मैंने एंड नहीं किया था, तो सोचा अभी एंड कर देती हूँ। और आज संडे भी है, मौसम भी बिल्कुल साफ है, तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी अब। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा ये वाला व्लॉग, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।
और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ना, दिख रहा है अच्छा लग रहा है ना। नहाने के बाद ना, जैसे कि आज नहाती हूँ तो अगले दिन ना ये बाल ना बड़े अच्छे अच्छे से लगते हैं मुझे, तो मुझे ऐसा ऐसा करना बड़ा अच्छा लगता है। दिख रहा होगा, पता नहीं दिखता कि नहीं दिख रहा।